नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। युवक की हत्या करने वाले चार अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद। चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली सदर पुलिस व सर्विलांस सेल द्वारा युवक की हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को मय आला कत्ल, कुल्हाड़ी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। दिनांक 26/11/2020 को बलराम पुत्र गणेश लोधी निवासी सिंधुपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव, उम्र करीब 22 वर्ष, जो बिना बताए अपने घर से कहीं गायब हो गया था। उपरोक्त गायब होने की सूचना पिता गणेश लोध द्वारा दिनांक 28/11/2020 को थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश जारी थी कि पिता द्वारा पुनः दिनांक 1/12/2020 को थाना स्थानीय पर पत्र दिया गया कि मुझे शंका है कि मेरे लड़के को देशराज उपरोक्त ने मिलकर गायब कर दिया है, जिस पर गुमशुदगी उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 784/20 धारा 364 भादवी में तरमीम करते हुए गुमशुदा की तलाश प्रारंभ की गई थी। गुमशुदा बलराम का सो थाना क्षेत्र के अजगैन में दिनांक 2/12/2020 को मिला, जिसकी नियमानुसार पोस्टमार्टम कराने के उपरांत दिनांक 3/12/2020 को नवीन मंडी के पास से मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा FIR से नामित अभियुक्तगढ़ देशराज पुत्र ठाकुर प्रसाद व सुदीप उर्फ बउआ पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी गढ़ सिंधुपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव व देशराज के ससुर बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय मेडीलाल निवासी ग्राम दंदूपुर थाना अजगैन जिला उन्नाव व देशराज के बहनोई अमित पुत्र सुरेश लोध निवासी झौवा थाना अचलगंज जिला उन्नाव को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। देखिए, 30 नवंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी। इस संबंध में अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान पता चला कि मुकदमे के जो वादी थे, जो कि मृतका के देवर थे, उनके दो पुत्रों ने ही 2 बीघे जमीन के लालच में वृद्धा की हत्या कर दी थी और उसके गहने भी उन्होंने चुरा लिए थे। हमारी कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण कर दिया है और घटना में शामिल दोनों अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।